साहब काशीराम जी ने कहा था जब पहले पहला नंबर होगा हम चुनाव हारेंगे हारेंगे जीतेंगे नहीं, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर आएगा, फिर लोग कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीता तो नहीं है लेकिन इसकी वजह से चुनाव हार गए, हमारी पार्टी को हराने वाला कहेंगे। आज हमें क्या कहते हैं कि बसपा जीती नहीं है, ये हराने वाली पार्टी है, इसने हमें हरा दिया। कोई कहता बसपा ने हमें हरा दिया है, आज बहुजन समाज पार्टी को हराने वाली पार्टी कहते हैं। ये किसने कहा? साहब कांशीराम जी ने कहा कि पहला नंबर होगा हम हारेंगे, दूसरा नंबर आएगा हम हराने वालों में आएंगे, हराने वालों में हरा दिया हाथी ने हरा दिया, और तीसरा नंबर आने वाला है। अब आएगा हमारा तीसरा नंबर, और वो नंबर कौन सा होगा? साहब काशीराम जी ने कहा था फिर हम चुनाव जीत कर आएंगे, फिर हम चुनाव जीत करके आएंगे, हम चुनाव जीतेंगे देश में, फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम चुनाव जीत करके आएंगे देश में, फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी। इसलिए साथियों आज उत्तर प्रदेश में हमें हराया गया, मशीन में गड़बड़ करके, मशीन में झटका करके, ईवीएम में गड़बड़ करके यूपी में हमें हराया। यूपी का जब चुनाव करके जाने लगा तब माननीय बहन जी ने कहा मीडिया में आकर के बीजेपी ने वोट से हमें नहीं हराया, इन्होंने हमें मशीन में धोखा करके हराया है। इसलिए ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो, ये बहन जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए कि ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो। उत्तर प्रदेश में हमें धोखा करके हराया। बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि मायावती जी चुनाव हार गई है, मीडिया के लोग अंदर जाकर के सारी कई पार्टियों ने कहा कि मायावती जी चुनाव हार गई है और मशीन का बहाना कर रही है, मशीन का बहाना बना रही है। पहले तो कहा था बहन जी ने जब अखिलेश हारा फिर अखिलेश जी ने भी शोर मचाया कि ईवीएम के कारण हार गए हैं, बहन जी की बात माननी पड़ेगी।